नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित गंज बासौदा के शहर कोतवाली पुलिस ने ब्राउन शुगर और गांजा के साथ आरोपी महिला और पुलिस को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत 1,00,000 रुपये बताई जा रही है। स्थिति कोतवाली SDOP भारत भूषण शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर की मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। मोबाइल पर सूचना दी गई थी कि कालाबाग आशीष पेट्रोल पंप के सामने युवक हनी मिश्रा और युवती सफ़ेद प्लास्टिक के बैग में गांजा और एक पुड़िया में ब्राउन शुगर रख कर खड़े हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और मादक पदार्थ ब्राउन शुगर 5 ग्राम और 2 किलो 50 ग्राम गांजा सहित दोनों को गिरफ्तार किया। विदिशा गंज बासौदा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। एक हत्याकांड में इसकी कुछ संदिग्ध भूमिका प्रकाश में आई तो जिसकी भी तहकीकात जारी। हाँ, इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा जी के निर्देशन में PI सुमी देसाई ने अम्बा नगर में पुलिस टीम को ले जाकर वहाँ अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की, जिसमें प्रकरण भी पंजीकृत किया और उसको गिरफ्तार भी किया। सर, कई बार मीडिया ने सवाल किए हैं कि एक वाइडनर करके रिजेक्ट आता है, उसका बच्चे सेवन कर रहे हैं जगह जगह, उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या है? हाँ, उसके लिए भी उन बच्चों को चिन्हित करके रेलवे स्टेशन के पास गोदाम में आज से 8 दिन पहले उन बच्चों को पकड़ा गया, उनके पालकों को सुपुर्द किया। यहाँ पर तीन तरह का अपराध इस थाना क्षेत्र के अंदर बहुत जोर से फर्क हुआ। एक तो अवैध हथियार, दूसरा जो है वो अवैध दारू परिवार और इसके बाद मादक पदार्थ ड्रग्स, तो इन सब के लिए आपकी क्या तैयारी है? इसी के लिए योजना बनाई गई है, आपके शहर को अपन नशा मुक्त करें और अवैध शराब पर नियंत्रण करने के लिए भी कार्रवाई और मुहिम और एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके परिणाम आने वाले समय में आप लोगों सामने अवैध हथियारों के लिए भी शुल्क लगाए गए हैं। फेसबुक पर भी लोग अवैध हथियारों के साथ आप बता रहे हैं, फेसबुक का इतना लार्ज एरिया हो गया है कि उसको ड्रेस करने के लिए काफी साइबर की हेल्प भी लेना पड़ती, उससे बाद में सफलता उसमें मिलती। और इंटरनेशनल साइबर का है, व्हाट्सएप ग्रुप भी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी तक ब्राउन शुगर के मामले में जो भी कार्रवाई हुई है उसमें सिर्फ ये सुनते आ रहे हैं कि कुछ लड़कियां भी यहाँ आदि हो गई हैं ब्राउन शुगर के नशे, तो ये पहली बार कार्रवाई हुई है कोई महिला या कोई युवती ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाई है, और भी इनमें हो सकती है क्या? ये जो गिरफ्तार शुदा युवती है इससे हमारी महिला निरीक्षक काफी तहकीकात कर रही है, तो और भी महिलाओं का ऐसी संदिग्ध युवतियों को उजागर होने की संभावना प्रबल है। बाहर की है सर, वो तो मूल्यवान काम तो बढ़े दोनों बालिक हैं सर, बालिक हैं सर, बालिक वाले। इससे हमारी महिला नगरीक्षक काफी तहकीकात कर रही है, तो और भी महिलाओं का ऐसी संदिग्ध युवतियों को उजागर होने की संभावना प्रबल है। बाहर की है सर, वो जो पकड़ाई है और सी है सर, कई मेडिकल स्टोरों अब सर कई मेडिकल स्टोरों पर सर ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां मिल रही हैं जो सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, और उन दवाइयों से बच्चे नशे के आदि हो रहे हैं सर, और वो दवाइयां कम 10 से 20 गुना रेट ज़्यादा पर मेडिकल स्टोर वाले बेच रहे हैं सर, इस पर क्या कार्रवाई है सर? तो इसमें ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर से चर्चा करके और CMO से चर्चा करके सही टीम बनाने का प्रयास करेंगे। पान की दुकान और अधिकांश जगह चलिए थैंक यू करेंगे क्या? हाँ, इनकी जांच इसी श्रृंखला में की जा रही और भविष्य में भी करेंगे। अभी तक की है किसी की आप करेंगे? हाँ, इसमें नहीं, अभी अपने किया 15 दिवस में कुछ संदिग्ध स्थानों को चिन्हित करके जहाँ ये गांजे की सेवन जो लोग करते हैं, जैसे आपका माल गोदाम, रेलवे स्टेशन कॉर्नर, कॉलेज के अंदर का कैंपस,
इनमें जाकर उनकी तलाशी भी ली गई, उन संदिग्धों की भी तलाशी ली गई। मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो करेंगे, उसकी कार्रवाई है जो है आगे करेंगे। वो पहली बार आई है, वो पहली बार गिरफ्तार हुई है, तो इसी तरह से प्रयास करके अपन इनको युवतियों पर एक गेंद का पर्दाफाश करते हैं। ऐसा अपन नहीं करेंगे, और इसमें अपन प्रयास ये करेंगे कि इनको इनके मुख्य स्रोत तक पहुँचा जाए और उनको कानून के हवाले जेल में छः माह या 7 माह के लिए नारकोटिक्स नियम है अधिनियम में कि कम से कम वो 6 माह या 7 माह के लिए जब्त। तो वो सब निर्भर करता है उनकी जब्ती हो सामग्री जो मिलती है उस पर डिपेंड करता है। हमारे मतलब जो आखिरी कड़ी कहलाती है वो आखिरी जो फर्स्ट स्टेप वहाँ पे आगे खत्म हो जाती है। ये कड़ी अपन खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे। आपके साथ मिलकर इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे, मुख्य स्रोत तक जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद यही है कि वो बाबा के पीछे चर्चा में पूर्व विधायक जी ने आरोप लगाया कि उनके स्टाफ का एक कर्मचारी नशे में बर्बाद हो गया। पुलिस अपराधियों को ढूंढ रही है, इससे जो भुक्तभोगी है तो उनसे पूछताछ करके जानकारी नहीं करनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। भुक्तभोगी मतलब जो नशे के सेवन करने के आदि हो गए। मेरा उनसे उनके परिपालक गणों से आपके माध्यम से अपील है कि पालक गण भी थोड़ा ध्यान दें। पुलिस सहयोग करेगी उनके मामले में? पूरा सहयोग करेगी। अभी हमने 15 लड़कों को पालकों को हैंड ओवर किए, 10th 11th क्लास के बच्चे थे। वही प्रयास अपन करना है इसमें, क्योंकि ये सब जो आप मछलियों का नाम ले रहे हैं ये सब भुक्त रूप में भोपी रूप में आती है। कुछ इन्होंने जो ग्राहक होंगे वो ये देते होंगे, ये लोग सेवन भी करते हैं, बाहर से भी लाते हैं और यहाँ सप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ भी तो कुछ लोगों के नाम बता रहे होंगे कि वो सप्लाई करते हैं। हाँ यहाँ जो युवा मास है लोगों पे कोई कार्रवाई हो सकती है या करेंगे? हाँ उसके लिए अपने चिन्हित किया है जो पालकगण बच्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे और उनके बच्चे मादक पदार्थों के सेवन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी मैंने सूची तैयार की है। ना आरोपियों में से कुछ नाम ऐसे हैं जो पहले भी आदतन रहे हैं ये ड्रग्स के ही मामले में, तो उन्होंने तो अभी तक तो कुछ बता दिया होगा या पहले पकड़ाए तो उन्होंने पहले भी बताया होगा। हाँ उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं, उसी क्रम में ये गत सप्ताह से आपके शहर में कार्रवाई करवा रहे हैं। ये जो युवती पकड़ी है इसने कोई जनरेट तो किया, किससे भी ऐसा कुछ पता चला? हाँ ये युवती जो है हनी मिश्रा जो है उसकी मित्र है। अच्छा हनी मिश्रा आपकी गिरफ्त में है? हनी मिश्रा